बेतिया में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर समेत तीन लोगों ने मिलकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। उसकी हालत गंभीर है, पुलिस अभिरक्षा के तहत उसका इलाज चल रहा है। घटना बेतिया बस स्टैंड से 100 मीटर दूर की है। मंगलवार दोपहर मोतिहारी से बेतिया लौट रही थी, इसी दौरान बस के कंडक्टर ने उसे नशा देकर बेहोश कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि देर शाम बेतिया बस स्टैंड आने के बाद बस से सारे यात्री उतर गए थे। बस ड्राइवर गाड़ी लेकर स्टैंड से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह सड़क किनारे बस को लगा दिया। इसके बाद ड्राइवर खलासी समेत तीन लोगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब वह बेहोश हो गई तो तीनों बस छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस की गश्ती गाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। संदेह होने पर पुलिस ने बस की तलाशी ली तो लड़की को गंभीर हालत में पाया। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए, जहां होश में आने के बाद लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे बस में ही नशा देकर बस के ड्राइवर खलासी तथा अन्य लोगों ने गलत काम किया है। मामले में बेतिया सदर SDOP मुगुल परिमल पांडे ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लड़की का इलाज चल रहा है, मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि पुलिस ने रात में छापेमारी कर आरोपी ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है।